हेलो एंड वेलकम दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम बात करेंगे क्यूबन सिगार्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव सिगार्स होती हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि यह सिगार्स क्यूबा में बनाई जाती है, लेकिन इसे वर्ल्ड फेमस है वो स्पेनिश लोगों ने किया। सन 1676 में क्यूबन सिगार्स की फर्स्ट कंपनी खोली, जो कि स्पेन में ओपन हुई थी। दोस्तों, आपने क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम तो सुना ही होगा, जो कि इटालियन वर्ल्ड एक्सप्लोरर थे। जब वह क्यूबा गए थे तो उन्होंने बाहर रुकने के बाद जब वह यूरोप आने लगे तो उन्होंने अपने साथ क्यूबन सिगार ले लिए, और माना जाता है कि उसके बाद ही यह पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में फेमस हो गए, और 16th सेंचुरी में इसको फैशन के तौर पर भी यूज़ किया जाता था। मतलब 16th सेंचुरी में क्यूबन सिगार फैशन का स्टेटमेंट थे। अगर हम आज के समय की क्यूबन सिगार्स के बारे में बात करें तो यह एक बहुत ही एक्सपेंसिव सिगार्स होती हैं। अगर हम इस सिगार के टेस्ट के बारे में बात करें तो इन सिगार्स का टेस्ट भी यूनिक होता है। अगर हम सिगार को रोल करने की बात करें तो इसके लिए बहुत ही स्किलफुल वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। एक स्किलफुल वर्कर एक दिन में 200 सिगार्स को रोल कर सकता है, और स्पेनिश में एक सिगार रोलर वर्कर को टॉर्सिडोर बोलते हैं। इसी के साथ अगर आपको क्यूबन सिगार्स के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले